हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी शोगिया पर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट। तो मैंने देखा अपने वीडियो में प्रीवियसली चेक किया कि आपको मेरे जो रिव्यू वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और नीचे लोग कमेंट्स भी करते हैं, हेल्प भी लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे वीडियो से किसी को हेल्प हो जाए और उसके पैसे बच जाए और सही जगह पर उसके पैसे इन्वेस्ट हो, तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। सो जस्ट, और मुझे भी जो न्यू लॉन्चेज होते हैं उसका रिव्यू करना बहुत अच्छा लगता है। न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं उसको ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यही सोच करके मैंने ये वीडियो भी सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये है NYBA का डेवी ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन। तो इधर आपको मिल जाएगा क्लेम, ये लाइट वेट देता है, कंफर्टेबल ऑन स्किन है, फुल कवरेज देता है और नेचुरल डेवी फिनिश देता है। तो लाइट वेट तो है, कंफर्टेबल ऑन स्किन भी है और नेचुरल डेवी फिनिश भी देता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फुल कवरेज। ये आपको लो टू मीडियम कवरेज देता है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद मेरे जो स्किन है इस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी, बट स्टिल ये समर सीजन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने वो स्वेट जो है वो अपने हाथों से क्लीन किया था उसको, एंड देन फाउंडेशन जो है वो टच से मच नहीं हुआ था, और इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा फॉर समर सीजन। ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 229 है और पर्पल पर एनी टाइम आपको ऑफ चलता रहता है। सो ये इसमें आराम से आपको 189 में मुझे मिल गई थी और ऑफ में आपको मिल जाएगी। मैंने शेड नंबर ये लिया है ये 1 फ्लैट वाइट। इसकी जो ml है वो 30 ml प्रोडक्ट आपको इसमें रिसीव होती है और ये समथिंग आउटर पैकेजिंग है। तो इस तरीके की आपको एक क्यूट सी बॉटल में रिसीव होती है। तो मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आई थिंक इसको पंप फॉर्म में देते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसको निकालने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इस तरीके से आपको एक सेफ्टी पर्पज़ से यहाँ दिया रहता है और इसको आपने इस तरीके से निकाल लेना है, एंड देन आपको अपने हैंड पर, बैक ऑफ हैंड पर ऐसे इस तरीके से इसको लेना है। तो बस मुझे ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी, आई थिंक इनको एक पंप दे देना चाहिए था, सो ज़्यादा बेटर होता। और बस ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन, इस पर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने अपनी स्किन पर अभी कुछ भी नहीं लगाया है। सो जस्ट सबसे पहले हम अभी अपने स्किन को प्रेप करेंगे विथ द प्राइमर, और स्किन केयर का प्रोडक्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कोई भी, मैंने कलर करेक्टर वगैरह का जो भी आजकल प्राइमर्स मार्केट में अवेलेबल है वो सब नहीं यूज़ करूँ, बस सिंपल से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर, ताकि आपको जो फाउंडेशन का रिव्यू है वो अच्छे से मिल सके और उसका जो भी कवरेज है वो आपको सही तरीके से पता चल सके और सही पता चल सके। सो जस्ट फॉर दैट मैंने इसी को चूज किया है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर इसको जस्ट मैंने इतना अमाउंट लिया है और ऑल ओवर फेस पर मैं इसको अप्लाई करूँगी इस प्राइमर को। अच्छा प्राइमर है ये भी, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर के वीडियोस देखते होंगे तो ऑल ओवर फेस पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। और ये जो रिव्यू है आई होप आपको हेल्प होगी। तो जस्ट मैं अपने बैक ऑफ हैंड पर ही इसको लूँगी, और मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, ब्रांड को देना चाहिए था एटलीस्ट एक पंप, ताकि निकालने में इसको इजी हो। काफ़ी देर शेक करने के बाद ऐसे मेरी ये जो फाउंडेशन है वो निकली है। तो जस्ट आप देख सकते हो मेरी जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको परचेज किया है। फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि सही तरीके से आपको शेड लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही शेड नहीं आ पाया तो आपको कवरेज अच्छी नहीं मिलेगी और फ्लॉलेस फेस नहीं दिखता है। और चलो तो मैं इसको ऑल ओवर फेस पे अभी अप्लाई कर ले रही हूँ। सो देखो कितना सही शेड मैंने लिया है इसको, ये मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है फॉर द रिव्यू पर्पज़। देख लो मैंने ऑल ओवर फेस पर इसको लगा लिया है और कितना अमाउंट है ये भी आप देख रहे हो। सो जस्ट वेट ब्यूटी ब्लेंडर आई हैव और इसके थ्रू मैं ऑल ओवर फेस पर इसको ब्लेंड करूँगी। सो चलिए कवरेज इसकी देखते हैं। हालांकि मैंने ये जो फाउंडेशन है वो प्रीवियसली वीडियो के लिए यूज़ कर रखा है, सो फिर भी मैं एक सोची कि मुझे एक रिव्यू पर्पज़ से एक वीडियो बनानी चाहिए सेपरेटली।
उसमें मैंने जब एक मेकअप वीडियो किया था एक्चुअली, तो उसमें काफ़ी टाइम तक ये जो फाउंडेशन है वो टिका था, मतलब अच्छी थी। बाकी चीज़ों की जो रिव्यू है मैं उस वीडियो में नहीं दे पाई थी, सो इस वीडियो में दूंगी। चलो, तो अभी मैंने अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लिया है विद द ब्यूटी ब्लेंडर। सो कितना अमाउंट मैंने अपने फेस पर लिया था वो आपने देखा। तो जब आप फाउंडेशन यूज़ करो तो कुछ देर उसको शेड होने छोड़ दो ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए एंड देन आपको एक अच्छा लुक मिले। सो प्रीवियसली मैंने एक वीडियो शूट किया था, मेकअप वीडियो, उसमें मैंने इस डेवी फाउंडेशन को यूज़ किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसका अलग से रिव्यू बनाया जाए, सो इसलिए मैंने ये रिव्यू वीडियो किया है। और मैंने उस वीडियो में अच्छे खासे 12 घंटे तक अपने आप को रखा था क्योंकि रील्स वगैरह मुझे शूट करने थे और भी वीडियोस मैंने शूट किए थे, तो इसलिए अच्छी खासी चली थी। तो ये फाउंडेशन का रिव्यू मैं दूंगी कि अगर आप एट दिस प्राइस खोजते हो तो ये अच्छा है, मतलब हाई टू, ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं हाई कवरेज देता है, बट यस आपको लो टू मीडियम कवरेज ये देता ही देता है। और आपने अभी देखा मैंने अभी नेक एरिया पर और ईयर एरिया पर अभी अप्लाई फाउंडेशन को नहीं किया है, सो अच्छा है, आप ले सकते हो। तो चलो अब मैं इसको शेड कर लेती हूँ विद द कॉम्पैक्ट। और आपने देखा है मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, कोई कलर करेक्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सो ये हाई कवरेज तो नहीं देता है पर लो टू मीडियम कवरेज देता है। जैसे देखो मेरे यहाँ पर जो ये एक निशान है कटने की वो नहीं गई है, और हो सकता है मैं कलर करेक्टर या और कुछ चीज़ें लगाती तो उससे कंसीलर वगैरह से ढक जाते, पर क्योंकि मुझे ये रिव्यू वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने वो सब यूज़ नहीं किया है। बस मैंने एक प्राइमर आपने देखा और उसके ऊपर ये फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, सो फिर भी मुझे अच्छी लग रही है। तो ये रहा मेरा फाइनल टचअप, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट अपने एक फाउंडेशन को शेड किया है विद द कॉम्पैक्ट एंड लिपस्टिक, बस मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हो कैसा है। तो एज अ रिव्यू मैं बोल सकती हूँ कि अगर एट दिस प्राइस आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जितना एट दिस प्राइस आपको और भी मिलते हैं इस प्राइस में फाउंडेशन वगैरह। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, उनको भी हो जाएगी हेल्प। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।